देखिए 21 तारीख को बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पे हम सब लोग नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को आयोजित करने की रणनीति बनाई है। सभी संगठन और सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से जो भी लोग बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके साथ में जिन्होंने काम किया, बाबूजी के समर्थक, सभी लोगों से आह्वान किया गया है, प्रयास किया है कि सभी लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस कार्यक्रम में सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को बाबूजी की याद में हम सब लोगों ने, क्योंकि बाबूजी ने अपना पूरा जीवन, बाबूजी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन खास तौर पे हमारे सभी समाज को, हिंदू, पूरे हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित किया। और हमेशा से बाबूजी का सपना था कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो, जो कि भव्य राम मंदिर अब बन करके तैयार हो रहा है, उनका सपना भी साकार हो रहा है। बाबूजी के रहते रहते अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी गई और उसका अब अगले साल हम सब लोग राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर में जाकर के दर्शन भी कर सकेंगे। गौरव दिवस के रूप से हम सब लोग आने वाले वर्षों में मनाने का सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है और इस दिन को हम बाबूजी की याद में हिंदू गौरव दिवस के रूप में हम सब लोग मनाएंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और भी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और इस कार्यक्रम को सभी से अनुरोध है कि बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, कार्यक्रम को और भव्य और अच्छा बनाने के लिए, सभी पूरे देश भर के हिंदुत्व को एक संदेश देने के लिए हम सब इस कार्यक्रम को, कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं और बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अधिक से अधिक लोग आकर के इस कार्यक्रम का भाग बने। देखिए कोई कार्यक्रम के ऐसे हर एक व्यक्ति को हम सब लोगों ने आह्वान किया है कि सभी इस कार्यक्रम के साथ में आकर के जुड़े, लेकिन फिर भी लगभग जो एक लक्ष्य निकल के आ रहा है कि 50,000 तक हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, क्या माननीय कल्याण सिंह को पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर कुछ ऐसा विचार या प्लानिंग है आगे? देखिए ये सरकार का निर्णय है, हम सब तो, क्योंकि बाबूजी को कौन नहीं जानता और उत्तर प्रदेश का तो बच्चा बच्चा और परिवार, हर एक परिवार बाबूजी को जानता है और हर एक, मैं कहूं कि हर एक परिवार में उत्तर प्रदेश के कोई एक सदस्य अवश्य ऐसा होगा जो बाबूजी के साथ राजनीतिक जीवन में अवश्य जुड़ा रहा हो। तो बाबूजी को हर एक बच्चा उत्तर प्रदेश में जानता है। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि बाबूजी को बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित करने का, वो निर्णय मेरा अकेले का निर्णय नहीं होगा, पूरी सरकार का मिलकर निर्णय होगा। अगर उस पर विचार हम सब लोग करेंगे, आगे जैसा भी होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, आपकी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हालांकि उस मामले की UPFTF जांच कर रही है, आपका अगला कदम क्या रहेगा उसको? देखिए हम सब लोगों ने जब से हमारी सरकार बनी है, जो भी गंदगी विभाग के अंतर्गत थी और जो भी सारी इस तरह की गतिविधियां चलती रहती थी, हमने प्रयास किया है कि विभाग की जो भी कार्रवाई है, विभाग में काम करने की जो भी प्रक्रिया है, उसको सही बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए और पारदर्शी बनाया जाए। आज हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि सारी चीजों को सुचारू रूप से चलाया जाए और जब सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं तो इस तरह की चीजें भी सारी सामने निकल के आ रही हैं। तो जो भी इसमें कार्रवाई की जाएगी वो पूरी कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है एसटीएफ के द्वारा और जो भी सारी चीजें सामने, इसमें दोषी सभी लोग पाए गए तो उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, वही शिक्षा की बात कही जा रही है, 2014 से जो शिक्षा जो टीचर थे उनका भी एनआईसी द्वारा पढ़ी करता था, लेकिन उसके 2014 पढ़ी करना पढ़ी करना था। देखिए ये विभाग से संबंधित सारे प्रश्न हैं, अगर इससे जो भी मेरे पास, क्योंकि सारी आपके जो प्रश्न है एग्जैक्ट जानकारियां नहीं है, दूसरे संबंध में आप सब लोगों को एकत्रित किया था, इन सारे प्रश्नों के संबंध में जानकारी पहले विभाग से एकत्रित करनी पड़ेगी, सही जानकारी के बाद ही मैं आपको कुछ अवगत कर पाऊँ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।